सभी को मेरा नमस्कार। श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जैकी जी, आरव जी, सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। क्रांति जी और आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज रामनवमी है और चित्रपट सृष्टि के भी राम आज मिले, अच्छा लग रहा है। इन्हें मैं राम के नाम से ही जानती थी सालों तक, फिर पता चला ये जैकी श्रॉफ है। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मुझे लगता है ये ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि बीजेपी चित्रपट अघाड़ी ऐसा कार्यक्रम कर रही है कि लोगों को उससे स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार मिले, और ये बहुत ही सराहनीय बात है। आपको शायद पता ही होगा कि आसपास 20 लाख लोग आज सिने सृष्टि में काम कर रहे हैं। 1,20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है, और ये सब जो है ये कोरोना के टाइम में थोड़ा थम सा गया था। कई स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स जिनको अलग अलग प्रकार के जॉब्स चाहिए थे, चाहे वो टेक्नीशियंस करके हो, एक्टर्स करके हो, उनकी जिंदगी थम सी गई थी। पर आज फिर से जब कोरोना ने बैक सीट ली है, आज फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप उठ खड़े हो, और आपको इस बार साथ मिला है पूरे बीजेपी का। आई एम श्योर विद दिस, जो आपकी इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, जैसे कहते हैं ना, व्हाट इज फिल्म इंडस्ट्री, वो एक रिबन है, अनएंडिंग रिबन ऑफ ड्रीम्स। तो ये रिबन ऑफ ड्रीम्स जो आपके भी मन में है, आपकी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, ये आपको पूरी करनी है। और इस एकत्रीकरण में जो प्रोड्यूसर्स आए हैं, जो एम्प्लॉयज आए हैं, आई एम श्योर ये आपको मदद करेंगे आपकी ये जो कामना है इसको अचीव करने के लिए। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात की जानकारी है कि फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया की प्राइड है, ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर टुडेज़ टाइम। इसीलिए आप देखेंगे इन्हीं दिनों में न्यू अराउंड 160 टेलीविजन चैनल्स को अप्रूव किया गया है जो भी प्रदर्शित हो रहे हैं। अराउंड 170 एफएम चैनल्स न्यू आ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग प्रमोटेड लाइक एनीथिंग दिस टाइम। इनफैक्ट जो व्यूअरशिप है वो आज 20% व्यूअरशिप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी है। तो जैसे कि पहले सोचा जाता था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक्चुअली फिल्म्स कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट लो बजट मूवीज को इसके थ्रू एक अच्छा एक्सपोजर मिला है। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन, कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन। और अब इतना ही है कि हमें आगे बढ़ के ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब करनी है, एम्प्लॉयड होना है। भारत का इतिहास अगर आप देखें तो मूवीज ने हमको क्या नहीं दिया। हमको पहले फैमिली रिलेटेड इश्यू समझाए, जाति भेद सब कुछ ये मूवीज के थ्रू आया। चाहे हमारे संतों की कहानियां हो, रामदास जी की हो, ज्ञानेश्वर जी की हो, तुकाराम जी की हो, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर सबसे पहली हिट फिल्म और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाने वाली फिल्म 1936 में तुकाराम थी, और वहां से हमारी जर्नी ऑफ सक्सेस चालू हुई। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस हेरिटेज, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। और मैं चाहती हूँ जो बटिंग प्रोड्यूसर्स है, पोस्ट प्रोडक्शन में जाना चाहते हो या प्रोडक्शन में स्पेशली, आप सोसाइटी से जो रिलेवेंट इश्यूज है वो उठाइए। आज आपने देखा कश्मीर फाइल्स ने धो डाला है, इट हैज टेकन अप एन इश्यू आल्सो, प्लस उसने कमर्शियली भी सक्सेस पाया है। तो ऐसे कुछ सामने लाइए, क्योंकि लोगों को भी वही चीज, रनिंग अराउंड द ट्रीज अब नहीं चाहिए। तो गेट अहेड, गेट समथिंग न्यू फॉर द नेशन, एंड यू हैव ऑल ऑफ अस विद यू। तो इतना ही कह के मैं अपने दो शब्दों को विराम देती हूँ। आई थिंक सो जैकी जी को किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा, किसी को प्रश्न पूछना था तो जरूर पूछेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमृता जी का एक